हे गाइस जोएटो का प्ले में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सो गाइस फाइनली दोस्तों गरीना फ्री फायर के अंदर बिल्कुल कमाल का ओपी वाला इवेंट आ चुका है। इस इवेंट का नाम है गिफ्ट ऑफ लाइट और ये जो इवेंट है कल के डेट में आया था और मैं वीडियो नहीं बना पाया इस इवेंट के बारे में, लेकिन ये जो गिफ्ट ऑफ लाइट है ना, इस इवेंट के अंदर आपको जितने भी रियर बंडल है, जितने भी लेजेंडरी पुराना वाला बंडल है, वो सारा का सारा बंडल इस इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। और देखते हैं कि कितने डायमंड के अंदर यहाँ पे हंटर बंडल निकालने वाला, तो ये जो हंटर बंडल है कितने डायमंड के अंदर मिलेगा वो तो आपको इस वीडियो को अंदर देखने के बाद पता चल जाएगा। तो आज का वीडियो कमाल का ओपी वाला वीडियो बनने वाला है, वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं कि आपको मेल बंडल वगैरह निकालना है तो एक ही स्पिन में 200 डायमंड लगेगा और यहां पे 5 स्पिन करेंगे तो 899 डायमंड लगेगा। यदि आप गन लेना चाहते तो एक स्पिन वही आपको लगेगा। तो यहां पे मैं बंडल के अंदर जाता हूं तो जितने भी रेयर बंडल है वो सभी बंडल आपको देखने को मिल जाएगा, फीमेल से लेकर के मेल बंडल। तो यहां पे ये वाला बंडल निकालने वाला, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे हंटर बंडल जो काफी रेयर बंडल है, ठीक है, तो निकालने वाला। तो यहां पे पहला स्पिन करता हूं 200 डायमंड के अंदर, तो मेरे पास देख सकते हैं 8000 मतलब लगभग 9000 हमारे पास डायमंड है। जी हां 9000 डायमंड है। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं मुझे एक बंडल मुझे मिल चुका, जैसे कि आप देख रहे हो 200 डायमंड के अंदर, और एक दिया टोकन भी मिल चुका, क्योंकि इस दिया टोकन से भी आप एक्सचेंज करके ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पे चार करते हैं, यहां पे 5 स्पिन करता हूं 1000 डायमंड का, तो यहां पे मैं स्पिन कर लेता हूं, ठीक है। और गाइस यहां पे देख सकते हैं स्पिन करने के बाद अगर आपके पास कोई भी बंडल होगा ना तो उसका 2 टोकन मिलेगा, यदि ज्यादा रियर बंडल होगा ना तो ज्यादा टोकन मिलेगा। तो टोटल यहां पे 2 बंडल मेरे पास ऑलरेडी था तो यहां पे टोकन मुझे मिल चुका, तो ओके पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। ओके पे क्लिक करने का फिर से यहाँ पे 1000 डायमंड के अंदर मतलब कि 900 डायमंड के अंदर यहाँ पे स्पिन करता हूँ। और गाइज यहाँ पे स्पिन करने के बाद देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारा बंडल है, यहाँ पे 2-2 टोकन मिला, 7 टोकन मिला, ये प्रीमियम बंडल हमारे पास ऑलरेडी था तो इसके अंदर 7 टोकन मिला और एक बंडल मिला और यहाँ पे 5 टोकन, तो टोटल कितना टोकन मुझे हो चुका है यहाँ पे देख सकते हैं 29। और तो यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सचेंज के अंदर जाता हूँ, एक्सचेंज के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 40 टोकन के अंदर मुझे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग और यहाँ पे टोकन चाहिए, तो यहाँ पे क्या करता हूँ फिर से 5 स्पिन करता हूं और गाइस यहां पे देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है इस बार। और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास और बहुत सारा बंडल था, तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा काफी बंडल भी मिल चुका, टोकन भी नीचे मिल चुका, ठीक है। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे और भी एक टोकन और चाहिए, तो ठीक है फिर से यहाँ पे 1000 डायमंड के अंदर यहाँ पे करता हूँ मतलब कि 900 डायमंड के अंदर। तो स्पिन करने के बाद देख सकते गाइज मुझे काफी सारा यहाँ पे एक बंडल मिला, 3 बंडल ऑलरेडी है तो उसका 7 टोकन मुझे मिला, देख सकते हैं फीमेल बंडल वगैरह देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको कुछ ना कुछ बंडल तो मिलना ही मिलना है, तो मेरे पास काफी सारा यहाँ पे देख सकते टोकन हो चुका, तो यहां पे मैं एक्सचेंज के अंदर जाता हूं। और गाइज यहां पे एक्सचेंज के अंदर जाने के बाद देख सकते हैं यहां पे आ चुका यहां पे मनी, यहां पे आपको हंटर बंडल, तो वो बंडल यहां पे निकालने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए गाइज यहां पे निकाल लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे ये रहा वो हंटर बंडल, इसको मैं क्लिक कर देता हूं, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस देख सकते हो ये रहा काफी लेजेंडरी ओपी वाला, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका, ठीक है, इसको हटा देता हूँ और गाइस यहाँ पे एक्सचेंज कर लेता हूँ। और गाइस फाइनली देख सकते हैं मेरे पास आ चुका ये अपना हंटर बंडल जो काफ़ी रेयर है और लेजेंडरी है, तो ये बंडल मैंने ले लिया। और लेने के बाद चलिए इसको कट कर देता हूँ, बंडल में आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपको 1 लेवल मिल जाएगा, 2 लेवल और ये 3 लेवल, तो ये इस तरह से आपको बंडल देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यही था इवेंट के अंदर जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया, और मुझे कमेंट करके बताना कि कितने डायमंड के अंदर मुझे मिला। मेरे हिसाब से तो 5000 डायमंड लगा, आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितने डायमंड के अंदर ये हंटर बंडल मैंने निकाल लिया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बहुत ही कमाल के लगा। अगर आपको वीडियो चल वीडियो को लाइक कर देना चाहो, सब्सक्राइब करके बेल पर ऑल प्रेस कर देना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों, फिर मैं अपने ख्याल लेकर, टेक केयर एंड गुड बाय।